Assalamualaikum. 6.10 continuity हमारी. Question number 1, 2, 4, 7, 12 हम कर चुके हैं. आगे से हमें वही continue करनी है. 12th के बाद अब हम ले लेते हैं question number 13. Main question था find the product of. क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे पास. 5a² माइनस 23ab माइनस 10b² सॉरी प्लस हाँ माइनस 10b² ठीक है. ओके अब मुझे इसकी स्प्लिटिंग करके बताएं स्प्लिटिंग किस तरीके से करूं. ये प्लस या माइनस करो तो 23 आए और मल्टीप्लाई करो तो 5 10 का 50 आए. 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 50 ठीक है. देख लीजिए अब मैं मुझे ये बताइए कि 23 को इस तरीके से स्प्लिट करूं कि प्लस या माइनस करो तो 23 आए और माइनस 23 आए एंड मल्टीप्लाई करो तो माइनस 50 आए. जल्दी से बता दीजिए. आई एम वेटिंग. ओके ये आना चाहिए 5 10 50 ठीक है. ओके अब देख लीजिए कैसे कर रही हूँ स्प्लिटिंग. 25 में से 2 गए 23 हो गया ठीक है. 23 तो आ गया बट प्लस का 23 है तो आप क्या करोगे इसको माइनस 25 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस और साइन माइनस क्या आ जाएगी और माइनस 23 क्लियर है ठीक. इसी तरीके से माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू माइनस 50 ठीक. अब देखते हैं इस तरीके से करोगे 5a² माइनस 10b² एज इट इज. स्प्लिटिंग किस तरीके से की हमने माइनस 25ab प्लस 2ab. नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करती हूँ पेयर फॉर्मिंग कर दी पहला पेयर दूसरा पेयर. पेयर फॉर्मिंग के बाद कॉमन ले लूंगी दोनों में. इसमें 5 कॉमन है और a कॉमन है. ब्रैकेट में क्या बचा a माइनस 5 के टेबल में 25 5 टाइम आता है a इसके साथ है यहाँ पे b ठीक प्लस 2 और b कॉमन a बच गया प्लस माइनस माइनस 2 5 10 और b एक बाहर है और एक अंदर. ये यहाँ से आपको पता चल गया a माइनस 5 भी है दोनों कॉमन है इसका मतलब आपने स्प्लिटिंग सही की है. a माइनस 5 भी कॉमन लिया सेकंड ब्रैकेट में 5a प्लस 2b ये है आंसर सही. ठीक अब कर लीजिए 13 कर लिया हमने 12th तक हम कल कर चुके थे 13 करवा दिया है 15 17 एंड 20 आप कर लें ठीक है बेटा. फिर जहाँ इश्यू आया मैं यही हूँ और बताइए मुझे जल्दी से. ओके क्वेश्चन नंबर 15 है टेन एक्स स्क्वायर प्लस 59xy माइनस 6y² सही है. मिड वैल्यू को स्प्लिट या फिर ब्रेक करना होता है कि प्लस या माइनस करो तो 59 आए और उसी उन्हीं दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या है टेन सिक्स 60 किस तरीके से होंगे टेन मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 माइनस 60 आए सही है. ये तो आना है जरूरी ठीक है. अब इसको स्प्लिट करके देख लेते हैं. 10x² as it is लिख दिया माइनस 6y² as it is लिख दिया बीच में जगह छोड़ी स्प्लिटिंग के लिए. ओके अब देखिए 60 में से 1 गए 59 आया 60 में से 1 गए 59 आया और यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस 59 आ गया ये तो ठीक है. और इसी तरीके से 60 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 60 परफेक्ट है ये स्प्लिटिंग. ये वाली पिक कर लेंगे हम सही है. ये वाली स्प्लिटिंग पिक कर लेंगे हम. क्या किया प्लस
60xy minus 1xy. 60 में से 1 गया 59, 61 का 60. ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, पेयर फॉर्मिंग कर देती हूँ मैं. ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया. 10 के टेबल में 10 भी आता है, 60 भी आता है. 10 और दोनों में x कॉमन है, x ले लिया. ब्रैकेट में x प्लस 10 सिक्स 60 और y x प्लस 6 है ब्रैकेट में, बच गया माइनस 1 और y माइनस 1y कॉमन लिया. ब्रैकेट में बचा x माइनस माइनस प्लस 6y क्योंकि एक y बाहर था. इससे आपको क्या पता चला, ये दोनों क्या कॉमन है. इसका मतलब कॉमन का मकसद ये होता है कि आपने स्प्लिटिंग सही की है. x प्लस 6y कॉमन एक बार, 10x माइनस y. 1 क्यों नहीं लिख रही आपको पता है. ये है हमारा आंसर 15 का. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है. 54x स्क्वायर माइनस 15xy माइनस y स्क्वायर. y स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है. ओके, 54 1 का 54, 54 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 है. साइन को ध्यान में रखते हुए करना है. माइनस 54 आ गया, इसको ध्यान में रखना है. ओके, इस तरीके से स्प्लिटिंग करो कि 54 प्लस और माइनस करने पे 54 आए, और सॉरी 15 आए और मल्टीप्लाई करने पे 54 आए. ओके, देख लीजिए माइनस 9 और माइनस 6, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, माइनस 15 आ गया. इसी को मैं मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ. माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 इक्वल्स टू 9 सिक्स 54 माइनस माइनस प्लस. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे देख लेते हैं 54x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एज इट इज. स्प्लिटिंग क्या की मैंने, माइनस 9xy माइनस 6xy. 9 54 और 9 प्लस 6 हो गए 15. पेयर फॉर्मिंग कर दी, ये पहला पेयर ये दूसरा पेयर. 9x कॉमन आया, 9 के टेबल में 54 कितने किस टाइम आता है, 9 6 54 और x बाहर अंदर बच गए. माइनस 9x पहले से था, y माइनस लिया. ओके, एक और चीज देख लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूले में एक चीज की मिस्टेक है, ये प्लस का साइन आएगा और क्वेश्चन में मिस्टेक है ये प्लस का साइन. इसी तरीके से यहाँ भी प्लस का साइन. यहाँ देख लीजिए जो मिस्टेक थी वो मैंने सही करी है. ये साइन प्लस का आएगा, क्वेश्चन बुक में आपके पास माइनस है, इसको सही कर लीजिएगा. माइनस वाई कॉमन लिया, सिक्स एक्स माइनस प्लस माइनस वाई अंदर. साइन की मिस्टेक थी वो मैंने सही करवा दिए. दोनों ब्रैकेट कॉमन है, सिक्स एक्स माइनस वाई, नेक्स्ट ब्रैकेट में 9x माइनस वाई. ये हमारा आंसर. क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 20 है. 25x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 5. इन क्वेश्चंस में मिड वैल्यू को स्प्लिट या फिर ब्रेक करना होता है. स्प्लिट और ब्रेक दोनों के मायने हैं तोड़ना, तोड़ देना उनको भी. सही है, ठीक बेटा. ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाय लास्ट दो टर्म्स है ना, फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव क्या आ रहा है 125. ये मैंने करके रख लिया कि मैं
सही है, ये आना चाहिए 125 आना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई करूँ और प्लस या माइनस करूँ तो 20 आना चाहिए। मैं क्या कर सकती हूँ, माइनस 25 में से, 25 में से मैं माइनस कर दूँ 5 को, माइनस 25 प्लस 5 आ जाएगा माइनस 20, yes. 20 आ गया माइनस का। इसी तरीके से मैं माइनस 25 को मल्टीप्लाई कर दूँ प्लस 5 से, माइनस 125 आ गया। सही, इसका मतलब yes. स्प्लिटिंग मैंने करेक्ट की है, करेक्ट ऑर्डर में की है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, 25 माइनस क्यों है, स्क्वायर माइनस 5, बीच में स्प्लिटिंग क्यों करी, उसकी जगह 3 छोड़ी है ताकि अब मैं स्प्लिटिंग लिख सकूं। ये रही स्प्लिटिंग, माइनस 25 कॉमन xy है, xy लिया प्लस 5xy, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 125 आएगा। ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो, इस तरीके से माइनस 25 में से 5 प्लस 5 कर दूंगी तो माइनस 20 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मेरा पेयर फॉर्मिंग होती है, पेयर फॉर्मिंग ये एक पेयर ये दूसरा पेयर। पेयर फॉर्मिंग के बाद मैंने क्या करना होता है, कॉमन लूंगी इन दोनों में, 25 कॉमन है और एक्स वाई कॉमन है। क्या बच गया ब्रैकेट में, एक्स वाई माइनस 1 प्लस, यहाँ पर 5 कॉमन है, एक्स वाई प्लस माइनस माइनस 5 1 5, ब्रैकेट कॉमन आ गया। इसका मतलब आपने स्प्लिटिंग बिल्कुल करेक्ट की है, करेक्ट ऑर्डर में की है। एक्स वाई माइनस 1 कॉमन ले लिया, सेकंड जो बाहर रिमेनिंग वैल्यूज बचती है या टर्म्स बचती है उनको नेक्स्ट ब्रैकेट में रखते हैं, 25 एक्स वाई प्लस 5, ये है हमारा आंसर। एक्सरसाइज कंप्लीट। चैप्टर 6 जो है हम अभी सिर्फ 6.10 तक ही करते हैं, बाद में हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी 6.10 तक ही रखेंगे, अभी जो हम नेक्स्ट में जो हमने क्या बोल रहे हो उस पर रुक जाओ, ओके। अभी हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट लेना पड़ेगा, वो मैं आपको इंशाल्लाह कल बताती हूँ, कल पहले टेस्ट रखते हैं उसके बाद बताऊंगी, ठीक है ना, ओके। दूसरी बात ये, 6.10 अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सही, ठीक है बच्चों, 6.10 तकरीबन कंप्लीट हो गई है। ये इंशाल्लाह आप लोग कल तक कंप्लीट करके कॉपी सबमिट करवा दीजिएगा। एंड सेकंड ये कि अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहले इसके टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो, ठीक है। लाफ़ इज़